कुणाल गांगुली द्वारा दिनांक 5/12/2020 को रात के समय अज्ञात चोरों द्वारा एशियन पेंट फैक्ट्री कैशियर रूम की अलमारी का लॉकर काटकर चोरी हुए रुपए चोरी होने का कराया था अभियोग पंजीकृत। प्रभारी निरीक्षक थाना सिकंदराबाद दीक्षित कुमार त्यागी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली। एशियन पेंट फैक्ट्री में चोरी करने वाले तीन अभियुक्त ग्राम गोपालपुर की तरफ से चोरी किए गए रुपयों का बंटवारा करने जोखाबाद ओवरब्रिज की तरफ आने वाले हैं। सूचना के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी मय पुलिस टीम के ओवरब्रिज के नीचे आकर अभियुक्तों के आने का इंतजार करने लगे। कुछ समय पश्चात तीनों अभियुक्त पैदल आते दिखाई दिए, जिनको पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर प्रातः 8:30 बजे चोरी के 4,30,000 रुपए सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बुलंदशहर से प्रदीप तोमर की रिपोर्ट। देखिए, सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एशियन पेंट फैक्ट्री नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसके जो GM है, उन GM ने एक अभियोग पंजीकृत कराया था थाने पे कि उनके यहाँ से तिजोरी काट करके और काफ़ी बड़ी मात्रा में कैश चोरी हो गया है। इसके बाद हमारी टीम जो इंस्पेक्टर सिकंदराबाद हैं दीक्षित त्यागी, उनके नेतृत्व में टीम का गठन करके और टीमें लगाई गई थी कि इसका अनावरण हो, क्योंकि इससे वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट में एक भय की भावना व्याप्त हो रही थी कि चोरी हो जा रही है और पैसे अगर ऐसे गायब हो गए तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी। तो इसमें सकारात्मक प्रयास करते हुए पूरी टीम लगी रही और इसके परिणामस्वरूप जो उस कंपनी के एक मैनेजर हैं, उन मैनेजर साहब की संलिप्तता पाई गई और मैनेजर साहब के वहाँ के दो और एम्प्लॉय थे, उन्होंने कटर से ग्राइंडर से वो तिजोरी काट करके पैसे चोरी किए थे और इसमें समग्र कार्यवाही करते हुए तीन जो चोर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और चोरी के 4,30,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। इसकी समग्र विवेचना की जा रही है और भविष्य में इस तरह की चोरी ना हो, इस तरह से हम लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सजेस्ट भी कर रहे हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एंटीसिडेंट्स की जांच वो खुद करें और पुलिस से भी कराएं। विस्तृत इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि आगे इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की घटनाएं ना घटित हों। सर, ये चोर थे कौन थे, एम्प्लॉय थे क्या उस कंपनी के? उसी कंपनी के एक मैनेजर हैं जो वहाँ पे मैनेजर प्रोडक्शन का काम कर रहे थे और उनके साथ उन्हीं के दो एम्प्लॉयज़ और हैं। इन्होंने ही मिल करके पूरी घटना कारित की थी, पूरी विशेषज्ञता से घटना कारित की थी, कहाँ कहाँ पे CCTV कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, CCTV कैमरों के व्यू में वो ना आने पाए, वो सारी चीज़ों की इन्होंने रेकी की थी और रेकी करने के बाद ये घटना कारित की थी। सर, बरामद की क्या? 4,30,000 रुपये बरामद हुए हैं और अभी भी पूछताछ जारी है, हमारी टीमें पूछताछ कर रही हैं। आशा है कि आगे भी और कार्रवाई होगी। ठीक।